उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी कोयला खदान बिना ओपन कास्ट कोल माइन नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन एक अग्रणी परियोजना है। वर्ष 1974 में अपना संचालन शुरू करके बिना कोयला खदान आज सालाना 9 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर रही है। बिना परियोजना समर्पित बकेट लिंकेज के माध्यम से UPRVUNL द्वारा संचालित अनपरा और ओबरा थर्मल पावर स्टेशन को कोयले खपत की आपूर्ति करती है। लगभग 5 क्यूबिक मीटर प्रति टन के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात के साथ बिना प्रोजेक्ट में लगभग 124 मिलियन टन का बड़ा भूगत कोयला भंडार है। खनन योग्य कोयले का यह भंडार मध्यम मोटाई के 3 सीमों में जमा है, जो कि पुरेवा टॉप, पुरेवा बॉटम और तुर्रा सीम है। इन कालातीत जीवाश्म ईंधन की निकासी के लिए बिना परियोजना ने 4 ड्रैग लाइन, 10 शॉवल, 51 डंपर, 14 ड्रिल, 13 डोजर, 1 सरफेस माइनर, 6 पानी के टैंकर और अन्य सहायक उपकरणों को नियोजित किए हैं। इन सभी उपकरणों और बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए एक सर्व सुविधा युक्त कार्यशाला भी स्थापित की गई है। डीशेलिंग प्रक्रिया के माध्यम से शेल और अन्य प्राकृतिक रूप से होने वाली अशुद्धियों को खनन किए गए कोयले से अलग किया जाता है। कोल हैंडलिंग प्लांट के साथ एकीकृत 4.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का डीशेलिंग प्लांट होने से बिना प्रोजेक्ट को अपने उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तैयार उत्पाद का उत्पादन करने में मदद मिलती है। साथ ही खनिकों और श्रमिकों की सुरक्षा बिना परियोजना के लिए भारी प्रमुखता के विषय में से एक है। सभी सुरक्षा संबंधी मशीनरी और व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी, मूल्यांकन और उन्नयन के निरंतर प्रयासों ने विगत वर्षों में काफी कम दुर्घटना सुनिश्चित की। परिवार परामर्श, त्रिपक्षीय बैठकें, मॉक रिहर्सल, खान निरीक्षण, सुरक्षा वार्ता और प्रशिक्षण भी नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। खनन उपरांत पर्यावरण के पुनरुद्धार के लिए परियोजना ओवरबर्डन डंप और खाली जगह पर व्यापक वृक्षारोपण भी करती है। इसके तहत लगभग 420 हेक्टेयर भूमि में 35 लाख पेड़ों को लगाया जा चुका है। परियोजना ने खदान से उत्पन्न अपशिष्ट जल के उपचार के लिए प्रतिदिन 31 मिलियन लीटर की क्षमता वाला एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया है। साथ ही बिना कॉलोनी के घरेलू मलजल के उपचार के लिए प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है। हवा की और पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य से 2 ट्रक माउंटेड मिस्ट स्प्रेगन, 1 घरेलू रोड स्वीपिंग मशीन और मिस्ट स्प्रेइंग सिस्टम को लगाया गया है। वायु गुणवत्ता मानकों के निरंतर निगरानी के लिए कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ परियोजना के माइन एंट्री से कोल यार्ड तक फिक्स्ड स्प्रिंकलर भी लगाए गए हैं। विभिन्न मौसमी पक्षियों, वनस्पतियों और वन्य जीवों के आवासों के संरक्षण के लक्ष्य से घने वृक्षों से घिरे एक बड़े जलाशय को इको पार्क के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया है। ये जलाशय खदान के अपशिष्ट जल का 100% उपयोग करते हुए मत्स्य पालन के विकास को भी सुनिश्चित करेगा। हमारे खनिकों, अधिकारियों और उनके परिजनों के निजी जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न पहल की गई है, जिनमें सर्व सुविधा युक्त आवासीय परिसर, स्कूल, बैंक, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर,
जिम, गेस्ट हाउस, स्टेडियम, डाकघर, क्लब, रेस्ट शेल्टर, कैंटीन और पुलकित कानन पार्क भी शामिल है। 1.6 हेक्टेयर क्षेत्र में बने इस बड़े पार्क में ओपन थिएटर, ओपन जिम, विभिन्न खेल उपकरण जैसे स्लाइडर, मल्टीप्ले स्टेशन, राइडर, विविध प्रकार के झूले, आउटडोर ट्रैम्पोलिन, स्प्रिंग राइडर, सेल्फी पॉइंट, आकर्षक फव्वारा जैसी अनेक सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। हमारी सीएसआर पहलों के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में निवासियों के चेहरों पर मुस्कान सुनिश्चित करने के लिए हमने बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य देखभाल सहायता के साथ साथ शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। बिना परियोजना पर्यावरण, श्रमिकों और आसपास रहने वाले आम लोगों का ध्यान रखने के साथ साथ खनन के क्षेत्र में नित्य नए मानक स्थापित करते हुए राष्ट्र को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।